देख रहे हैं देवभूमि न्यूज, आपके साथ मैं हूं अमित रतूड़ी। नामांकन प्रक्रियाएं शुरू हो चुके हैं। हमारे साथ बात करने के लिए विधायक उमेश शर्मा कहाँ है रायपुर से। सर पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने नामांकन किया है, क्या कुछ तैयारियां रहेंगी इस बार चुनाव? पहले देवभूमि के जितने दर्शक हैं उन्हें भी मेरी ओर से शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार। और बाकी जनता का प्यार जब मिलता है तो आपने पिछली बार भी देखा, इस बार भी देखेंगे। हमने बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य के संबंधी में, आप पूरा उत्तराखंड ही देश भी जानता है कि जब क्षेत्र की जनता को जरूरत थी तो उमेश शर्मा काऊ सड़कों पे उनके साथ खड़ा होके उनके प्राण बचा रहा था। 3 दिन के अंदर आईसीयू 30 बेड भी बना के दिए। ये सब चीजें हैं जो क्षेत्र की जनता जानती है और मुझे पूरा, क्योंकि क्षेत्र की जनता का मुझ पे विश्वास है, मेरा उन पे, तो आने वाले समय में वो पिछला रिकॉर्ड को भी तोड़ के और अधिक बढ़ाने का काम करेंगे। इस बार की हम बात करें रायपुर से, तो पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिश्नोई आपके अगेंस्ट हैं, कितनी टक्कर मानते हैं, कितना प्रतिनिधि? देखिए, जिसने काम किया हो, जो अपने क्षेत्र का चहेता हो, कोई भी लड़े, कोई दिक्कत नहीं पड़ती। क्या कुछ आगे के रोड में रहेगा आपने, क्योंकि 2017 में आप भारी बहुमत से जीते थे और पूरे उत्तराखंड की हम बात करें 70 विधानसभा सबसे ज्यादा आपने वोट वहां पे मार्जिन से आप जीते थे, इस बार यही होने जा रहा है, इस बार भी यही होगा। सबसे ज्यादा वोटों से अगर कोई जीतेगा उत्तराखंड में, उमेश शर्मा काऊ होगा। सर कोविड है, कोविड कारण का ऐसा रिस्ट्रिक्शंस हैं कि रोड शो नहीं कर सकते हैं, अलग अलग चीजें हैं, क्या कुछ मानते हैं कि इस बार लोगों के बीच में पकड़ को लेकर? बेटा, पिछली बार मेरा जब चुनाव के लिए मैं आया था नॉमिनेशन करने, तब आपने देखा होगा, तो मैंने आपसे फिर मांग, अपने क्षेत्र की उस जनता से जिनका आज बहुत मायूस है कि हम प्रतिभाग नहीं कर पाए, क्योंकि कोविड के नियम हैं, उन नियमों का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते, तो इसलिए मैं अपने उन उत्साही क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं से और जनता से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूं कि आज कोविड की गाइडलाइन की वजह से वो अपना उत्साह नहीं दिखा पाए, लेकिन 14 फरवरी को जब वोटिंग होगा उस दिन वो उत्साह से मतदान को अधिक से अधिक करने का कार्य करें। सर आखिरी सवाल, अगर आप जीत के आएंगे तो क्या ऐसी कुछ और चीज़ें हैं, क्या ऐसे आप प्लान्स हैं जो आप रायपुर की विधानसभा क्षेत्र में आप काम करेंगे आगे? ये जनता जानती है, देखो बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, ये सब हम कर चुके, आने वाले समय में नौजवानों को रोजगार मिले उसके लिए काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायक जिन्होंने आज नामांकन किया है रायपुर से, उमेश शर्मा का। साफ तौर पर यही कहना है कि कोविड के गाइडलाइन को देखते हुए ये पूरा नामांकन प्रक्रिया की गई है, और साथ साथ उन्होंने अपने तमाम मतदाताओं से एक आग्रह भी किया है कि 14 तारीख यानी जो फरवरी को जब मतदान हुआ तो रायपुर की जनता जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सेदारी ले इस लोक पर्व के महा त्यौहार में। देवभूमि न्यूज़ के लिए देहरादून से अमित रतूड़ी की रिपोर्ट।